हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दिल्ली की फेमस राज कचौरी। फ्रेंड, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड, ये बड़ी सी पूरी मैंने घर पे बनाई है दोस्तों, बहुत क्रिस्पी बनी है। आपको उसकी आवाज भी सुना देती हूँ। अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए तो प्लीज मुझे जरूर कमेंट में लिख के भेजे। फ्रेंड, जितनी ज्यादा रिक्वेस्ट आएगी तो मैं पूरी की रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। 20 दिन के बाद भी आपको पूरी मेरी क्रिस्पी मिलेगी फ्रेंड। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पूरी को तोड़ना है। ये मैंने मीठी चटनी बनाई है। मीठी चटनी की रेसिपी मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है फ्रेंड आपको, मेरे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड, मीठी चटनी कैसे बनती है वो पहले हम डालेंगे इसमें। उसके बाद हरी वाली चटनी भी डालेंगे। हरी वाली चटनी की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी फ्रेंड। उसके बाद हम डालेंगे बॉयल पोटैटो कट किए हुए। उसके तो 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें। उसके बाद काला चना भी बॉईल किया हुआ डालेंगे। ये छोले चने को भी मैंने बॉईल कर लिया था फ्रेंड, वो भी हम डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे अनार का दाना। अनार का दाना लिया है फ्रेंड, वो डालेंगे हम। कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे। राज कचौड़ी नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है। इसमें हम मीठा दही डालेंगे। मैंने 2 से 3 चम्मच डाला है फ्रेंड, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद और ऊपर से हरी चटनी डालेंगे। ऊपर से सेव डालेंगे। मैंने लाइनों सेव लिया है फ्रेंड। ऊपर से और मीठी चटनी डालेंगे हम, सौंठ की चटनी। सौंठ की चटनी भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं फ्रेंड, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अनार का दाना ऊपर से डालेंगे। और ऊपर से हम थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, थोड़ा सा काला नमक स्प्रिंकल करेंगे, भुना हुआ जीरा पाउडर हम स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा। रात कचौरी बनी हुई देख के आपके मुंह में पानी आ गया दोस्तों। मुझे कमेंट करें आपको पूरी की रेसिपी चाहिए तो मैं जरूर शेयर करूंगी। ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता रख देंगे। मुझसे तो वेट नहीं होता दोस्तों, आप जल्द से जल्द सर्व करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूले। फिर मिलते हुए, तब तक के लिए बाय।